हाय लेवे थी सो so गाइज आज की इस वीडियो में हम अपने सेकंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे और उसमें आज हम पढ़ेंगे कॉपरेटिव सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट मेरिट्स लिमिटेशन एंड टाइप कितने टाइप की कॉपरेटिव सोसाइटी होती है कैसे बनती है गाइज कॉपरेटिव सोसाइटी तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉपरेटिव सोसाइटी किसे कहते हैं सो गाइज अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन को प्रेस कीजिए फॉर नई वीडियो के लिए और हाँ अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना अब गाइस देखो कॉपरेटिव का मतलब क्या होता है जब हम किसी के साथ मिलकर चलते हैं उसे कॉपरेटिव बोलते हैं या किसी की हेल्प करते हैं उसे कॉपरेटिव बोलते हैं तो ऐसी ही अगर हम कोई सोसाइटी फॉर्म करते हैं जिसका मेन मकसद क्या है एक दूसरे की मदद करना तो उसे कॉपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है कॉपरेटिव सोसाइटी मीन्स वर्किंग टुगेदर क्या है इसका मतलब एक साथ काम करना विद अदर वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पज़ जिसमें हमारा कॉमन पर्पज़ क्या होता है एक दूसरे की मदद करना

कोऑपरेटिव so, सोसाइटी की डेफिनेशन बहुत आसान सी है कॉपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु ज्वाइंस टूगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेम्बर अब इसकी कुछ खास बातें हैं गाइज वो क्या है ये क्यों बनी दे नीड टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द फेस ऑफ पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन एट देंड ऑफ मिडलमैन कई बार क्या होता है देखो मैं आपको एक इसको एग्जाम्पल देती हूँ कि कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनको सामान बड़ा महंगा मिलता है तो अगर वो मिलकर सामान खरीदेंगे तो उन्हें सस्ता पड़ेगा राइट right? तो वो मिलकर एक सोसाइटी बना लेते हैं अपनी जिसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं ताकि जब वो लार्ज स्केल पर खरीदेंगे तो उन्हें चीजें क्या पड़ेंगी सस्ती पड़ेंगी राइट right? सो so, यहाँ पर मेनली उनको इकोनॉमिकली बेनिफिट पहुंचाना होता है और बचाना होता है एक्सप्लोइटेशन से ठीक है अब इसको रजिस्टर्ड कराना कंपल्सरी है तो कॉपरेटिव कौ, कौ, सोसाइटी को हम कहाँ रजिस्टर्ड कराते हैं कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट नाइनटीन में ठीक है तो ये हमारा एक्ट दे रखा है कौन सा कोपरेटिव सोसाइटी एक्ट नाइनटीन उसमें हमें इसे रजिस्टर्ड कराना होता है थर्ड चीज क्या है गाइस कोपरेटिव सोसाइटी को बनाना इतना सिंपल है यानी कि आपने उसे रजिस्टर करा दिया और बस इसके अंदर हमें दस एडल्ट पर्सन की जरूरत होती है बनाने के लिए यानी कि सिर्फ दस लोगों की जरूरत है और हमारी सोसाइटी बन जाएगी ठीक है और जहाँ पे पैसा कहाँ से आता है गाइज़ द कैपिटल ऑफ अ सोसाइटी कहाँ से आता है जो भी इसके मेम्बर्स बनते हैं वो शेयर sure इशू करते हैं आपस में पैसा मिलाते हैं और सोसाइटी फॉर्म कर देते हैं द सोसाइटी अक्वायर डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन यानी कि बनने के बाद गाइज उसके मेम्बर्स की आइडेंटिटी अलग होती है और सोसाइटी की अलग होती है ठीक है सो so, ये कॉपरेटिव सोसाइटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अब आगे बढ़ते हैं सो so गाइस अब हम फीचर्स पढ़ते हैं अपने कॉपरेटिव सोसाइटी के तो सबसे पहला फ़ीचर्स तो देखो सान्स है वॉल्ट्री मेंबरशिप यानी कि इसमें जो भी मेंबर्स बनते हैं गाइस वो वॉलेंट्री होता है आप अपनी मर्जी से बन सकते हो एंड मेंबरशिप इज़ ओपन टू ऑल कोई भी भेदभाव नहीं होता रिलीजन कास्ट या जेंडर के बेस पर कोई भी पर्सन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेम्बर बन सकता है और एनी टाइम वो गाइल्स उसे छोड़ जा भी सकता है ठीक है बस उसे एक नोटिस देना ज़रूर होता है जब भी वो छोड़ के जाता है ठीक है सेकेंड गाइज लीगल स्टेटस की अगर हम बारे में बात करें तो हमें पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर कराना कंपलसरी है ठीक है तो कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर हमें इसे रजिस्टर कराना चाहिए तब इसकी एक अपनी आइडेंटिटी बन जाती है और मेंबर अलग है और कॉपरेटिव सोसाइटी की अपनी आइडेंटिटी अलग है आइडेंटिटी अलग होने का मतलब क्या होता है कि कॉपरेटिव सोसाइटी जो भी होगी गाइज वो अपने नाम पर कोई भी चीज़ ले सकती है किसी पर केस कर सकती है और उस पर भी केस हो सकता है तो मेंबर्स पर केस नहीं होगा केस किस पर होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर ठीक है क्योंकि उसकी अपनी एक अलग पहचान बन चुकी है उसके बाद है लिमिटेड लाइबिलिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी मेंबर गाइस आता है तो वो जितना अमाउंट लेके आता है उसकी लाइबिलिटी बस वहीं तक की रहती है ठीक है यानी कि उसके पर्सनल एसेट्स को छुआ नहीं जाता फोर्थ क्या है गाइस कंट्रोल अब कॉपरेटिव सोसाइटी में जो कंट्रोल करके चलते हैं गाइस जो भी मेंबर्स जो हैं जो वो कमी आ, अपनी एक टीम बनाते हैं जिसे हम मैनेजिंग कमेटी कहते हैं ठीक है वो उसको आ, चलाते हैं और हम कैसे मेंबर्स चूज करते हैं गाइस तो वोट दिया जाता है और उसके बेस पर मेंबर चूज़ किए जाते हैं सो राइट टू वोट गिव्स द मेम्बर अ चांस टू चूज़ द मेम्बर हु विल कॉन्स्टिट्यूट द मैनेजिंग कमेटी एंड दिस लैंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी अ डेमोक्रेटिक करेक्टर और इससे क्या बन जाती है एक लोकतांत्रिक वो कैरेक्टर आ जाता है क्योंकि लोग चुनकर अपने मेंबर्स को मैनेजिंग uh, कमेटी का हिस्सा बनाते हैं उसके बाद क्या है फिफ्थ सर्विस मोटिव होता है ये तो हमें पता ही चल गया को सोसाइटी एक दूसरे की हेल्प करने के लिए और वेलफेयर के लिए बनाई जाती है ठीक है अब इसका जो एक केस स्टडी जो बहुत फेमस है गाइस वो है अमूल की केस स्टडी जहां पर छोटे छोटे किसानों ने फार्मर्स ने जो इतने पढ़े लिखे नहीं थे गाइस उन्होंने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी uh, को फॉर्म किया था जो कि कहाँ पर था हमारा गुजरात में था यहाँ पे लिखा भी होगा इट जॉइन हैंड विद अदर मिल्क कोऑपरेटिव एंड द गुजरात नेटवर्क नाउ कवर 2.12 मिलियन फार्मर्स एंड 10,400 विलेज लेवल मिल्क कलेक्शन ये क्या करते थे गाइस अपने जैसे uh, किसी के घर में दो भैंस है किसी के घर में एक भैंस है अब वो दूध बेचने जाएंगे गांव में पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा कोई सस्ते उस पर लेता था तो उन्होंने क्या किया कि फार्मर्स को बोला कि आप बाहर मत दो आप हमें दो और हम उसे एक ब्रांड बना देंगे सो एवरी डे अमूल कलेक्ट फोर लैख फोर्टी सेवन थाउजेंड लीटर्स ऑफ मिल्क कितने 2.12 मिलियन फार्मर्स से मैनी इलिटरेट जिसमें से काफी लोग पढ़े लिखे नहीं थे एंड कन्वर्ट द मिल्क इनटू अ ब्रांडेड पैकेज प्रोडक्ट एंड डिलीवर गुड वर्थ सिक्स करोड़ यानी कि सिक्सटी मिलियन टू ओवर अ फाइव लाख रिटेल आउटलेट अक्रॉस द कंट्री अब आपके घर में अमूल का दूध आता ही आता है या फिर ये एक ऐसी चीज है जो हमने सुनी ही सुनी है और अमूल का ना ही सिर्फ दूध आज की डेट में उसके बटर से लेके हर एक चीज आ रही है राइट अमूल की आइसक्रीम आ रही है मतलब मेनी थिंग्स अमूल आज की डेट में बना रहा है तो इन्होंने क्या किया था गाइस बेसिकली उन फार्मर्स को बोला कि आप हमें दो और एक तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जिसके अंदर गाइस ये लोग दूध कलेक्ट कर कर फिर उसको एक ब्रांड दे दिया अमूल का और अब ये उसे डिस्ट्रीब्यूट uh, करते हैं ऑल ओवर द इंडिया ठीक है और जो कि आपको पता है कि एक अकेले किसान के लिए या दस किसानों के लिए भी ये मुश्किल होता बनाना बट आज की डेट में ये सारी चीज़ें फॉर्म हुई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने अमूल है ठीक है इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं कोपरेटिव सोसाइटी के सो देखो अगर हम फायदे की बात करें इसको बनाना आसान है ईज़ ऑफ फॉर्मेशन आप 1912 टवेल्व कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर इसको बना सकते हो बस आपको कितने लोगों की ज़रूरत होती है दस लोगों की लेकिन हाँ इसका नुकसान क्या है लिमिटेड रिसोर्स होते हैं हमारे पास जो भी मेम्बर्स जितना भी पैसा लेके आते हैं हमें उसके अंदर उतना काम करना पड़ता है एंड जो डिविडेंड होता है यानी कि जो प्रॉफिट होता है वो थोड़ा सा कम होता है ठीक है नॉर्मल बिजनेस के लिए क्योंकि ऑफकोर्स ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए तो बनी नहीं रही है राइट सेकेंड प्राइस इसका बेनिफिट क्या है इक्वलिटी इन अ वोटिंग स्टेटस यानी कि सबके सबके पास ना एक वोट का अधिकार होता है वन मैन वन वोट ठीक है जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है अपने मेंबर्स को सेलेक्ट करती है सो किसने कितना पैसा लगाया उस पर कोई भेदभाव नहीं होता हर एक मेंबर का अपना एक वोट होता है लेकिन और और तीसरा फायदा क्या है लिमिटेड लाइब्रेटी यानी कि जितना आपने पैसा लगाया आपकी लाइब्रेटी उतनी ही रहती है ज़्यादा नहीं होती आपके घर के एसेट सेफ रहते हैं फोर्थ स्टेबल एग्जिस्टेंस किसी भी मेंबर की डेथ हो जाने से या उसके छोड़ के जाने से हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी ख़त्म नहीं होती वो चलती रहती है इकॉनमी इन ऑपरेशन यानी कि अगर हमारी इकॉमी को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है ठीक है मिडल मैंस को हटाता है तो एक तरीके से इकॉमी को ऑपरेशन में लेके आता है सपोर्ट फ्राम गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी गाइज कोऑपरेटिव सोसाइटी को सपोर्ट करती है और बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ लो टैक्स यानी कि इनको बहुत सारे फ़ायदे दिए जाते हैं सब्सिडीज लो इंटरेस्ट रेट ऑन अ लोन तो बहुत तरीके से गवर्नमेंट भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या करती है सपोर्ट करती है अब इसके बाद क्या है नुकसान में जैसे हमने पहला पढ़ा था लिमिटेड रिसोर्स होते हैं तो दूसरा है इनफिशेंसी इन मैनेजमेंट इनफिशेंस इन एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट क्यों होती है गाइज क्योंकि जो भी मेम्बर्स इसके बनते हैं वो प्रोफेशनली जुड़े हुए नहीं होते यानी कि प्रोफेशनली काम को सीखे हुए नहीं आते ठीक है तो इसलिए इनको चलाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है क्योंकि प्रोफेशनल नहीं थे वो कहीं से सीख के नहीं आए थे बस उन्होंने अपने काम में हेल्प लेने के लिए एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया था अब लैक ऑफ़ सीक्रेसी और हाँ दूसरी चीज़ इसमें गाइज ये भी है कि कोपरेटिव सोसाइटी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो हाई सैलरीड मेंबर्स को रखे यानी कि हाई सैलरीड एम्प्लॉइज़ को रखे ठीक है और लैक ऑफ सीक्रेसी इसमें सीक्रेसी नहीं होती क्यों नहीं होती क्योंकि आपस में गाइस ओपन डिस्कशन होता है सारे मेंबर्स डिस्कशन uh, करते हैं तो सीक्रेसी यानी कि कोई बात अगर छुपा के चलनी है तो वो चीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं हो पाती इसके बाद गाइस गवर्नमेंट का कंट्रोल ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इनको बहुत सारे बेनिफिट्स देती है लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट्स के काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशनस हैं जो इन्हें मानने पड़ते हैं और गवर्नमेंट इनके ऊपर नज़र भी रखती है कि ये अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं डिफ्रेंस ऑफ ओपिनियन इसमें अक्सर कई बार ऐसा हो जाता है कि क्योंकि सब लोग आपस में बस एक मोटिव के साथ तो आए हैं लेकिन सबकी राय एक जैसी नहीं होती जैसे कि पार्टनरशिप में होता है लड़ाइयाँ चलती रहती हैं ऐसी कॉपरेटिव सोसाइटी में भी गाइस लड़ाई वगैरह चलती रहती है तो ये इसका नुकसान भी है सो so गाइस अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी की कि कितने टाइप की कॉपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में